हेलो दोस्तों, मैं के सफलता आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछला लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ थ्योरी डाला था, तो चलिए आज हम उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरे कि मेरे यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक बार पिछले क्लास का लेक्चर का कुछ इंपोर्टेंट बातें। सबसे पहले बताए थे ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब वैसा पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के वर्गों का योग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो मान होगा वो और बेस के स्क्वायर का जो मान होगा वो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हाइपोटेनस के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो वो ट्रिपलेट्स कहलाएगा। कहने का मतलब जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर फुलफिल कर दे वही क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट्स। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, ठीक है। तो चलिए ये था ट्रिपलेट्स से रिलेटेड कुछ बातें। बहुत सारा मैंने ट्रिपलेट्स बताया था जैसे इवन नंबर का, ऑड नंबर का, डायरेक्ट ट्रिपलेट्स, कुछ एक्सेप्शन और कुछ वेरिएबल टाइप का। जैसे बताए थे ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। दोनों का जो योग होगा किसके बराबर होगा, ये 25 के बराबर होगा। ऐसा बहुत सारा ट्रिपलेट्स बताए थे, तो आप भाई मेरे याद जरूर कर लेना। उसके बाद बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब बातों का चर्चा किए थे। उसके बाद बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब निष्पत्ति थ्योरम, जो अटल सत्य है जो कभी बदल नहीं सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ये तीन बातें हमने अच्छी तरीका से पिछले लेक्चर में डाला था। तो रिक्वेस्ट है प्लीज आप सबों से कि आज का जो वीडियो होगा आप पहला वीडियो को जरूर देखना, तब ये वाला अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सीडीएस एनटीपीसी जैसे एग्जामों का होगा। तो चलिए बात करते हैं। एक थ्योरम के बारे में थोड़ा सोचिए तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। कभी कभी और ध्यान दीजिएगा, ये इस 1 को मतलब इस 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चूंकि भाई मेरे देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सभी का यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा मोर देन, मैं कहता हूँ आपका ट्रिक को बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री 0 से स्टार्ट कर रखा है और हाई लेवल तक ले जाऊंगा, तो पहले समझिए बात को ध्यान से। इस साइन स्क्वायर का मतलब ये हुआ साइन गुना साइन, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए इसको हम एक साइन लिख सकते हैं और एक साइन का मतलब क्या होता है, पी वाई एच प्लस, इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा और एओ का क्या होता है, बी वाई एच। यहां से एच कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए और ये इधर यानी बाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। तो चलिए साइन थीटा पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एच। क्लियर हो गया, और रिलेशन भी होता है पी बी एच इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। तो साइन थीटा में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा,
बी में बी बी कॉस थीटा में ये बेस हो जाएगा और ये खुद का क्या होगा हाइपोटेनस। तो क्वेश्चन रहेगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13। इसका मतलब ये हुआ अगर आपसे पूछेगा बताइए 10 थीटा क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार ऐसे सीमाया हुआ है, तो 10 थीटा क्या होता है, आपको पता है कि ये P का मान होता है, ये B का मान होता है और ये किसका मान होता है H का, तो 10 क्या रहता है P by B, तो चलिए 12/5 इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये बात जिन लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं ध्यान से, ये अटल सप्ताह है, ये ड्राइव किया हुआ है ठीक है। चलिए बात करते हैं आप इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी आपको पता है, देखिए हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं a² - b² cos θ + 2ab, इसको साइन मान लीजिए, आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन समझाना है आपको पहले तो समझिए, इसको b cos थीटा बराबर आप कर दीजिए a² + b² ठीक है ना। आपसे पूछेगा cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, क्लियर, देखिए अभी जस्ट पढ़े a sin थीटा या a b c पे भी बना सकते हैं लेकिन आप मानिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अच्छा रहेगा, इस P sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर क्या था H, अब यहां से ट्राइव करके आप बना सकते, क्लियर होगा, ये P का मान हो गया, ये B का मान हो गया और ये खुद क्या हो गया H का, अब यहां से tan cot जो पूछेगा हम बना सकते हैं, अगर हम tan ही पूछ दे तो P by B, cos एक पूछेगा तो H by P वगैरह वगैरह। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक बार मेरे पहले वाले लेक्चर के वीडियो को अच्छी तरीका से देखिएगा, उसमें पूरा थ्योरी डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तीनों का कंबाइंड थ्योरी डाला हुआ है, तो उससे हम रिलेटेड आप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अपना अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से अपने पास में रख लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे कोशिश कीजिएगा लिखने का, या अगर वो सब से बचना चाहते हैं तो लेक्चर को 2 या 3 बार देखिएगा रिपीट करके, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, दोबारा कभी पढ़ने का नौबत ही नहीं आएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कंपिटेटिव स्टूडेंट हो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा रहेगा, कोशिश कीजिए लिखने का, क्योंकि लिखने से ही बहुत सारा चीज क्या होता है याद होता है, और वही बात होता है ट्रिपलेट्स में, ट्रिपलेट्स भी आता है फाइंड आउट करके, लेकिन आप क्या करना प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, बहुत सारे ट्रिपलेट्स आपको याद ही हो जाएगा, इससे ये बेनिफिट होगा ना डायरेक्ट एग्जाम में आप जाओगे तो वहां आपको सहूलियत होगा, कोई बंदा क्या करेगा सोल्यूशन करेगा तब कोई बंदा क्या करेगा उसको याद है तुरंत जाएगा, जो जानते हैं 5, 12, 13 तो क्या होगा आपको खुद पता, तो कहने का कुछ सारा डाटा ऐसा होता है मैथमेटिक्स में जिसको याद ही करना बेहतर रहता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन पे, और आज पूरा क्वेश्चन देखेंगे इसलिए प्लीज अंत तक देखिएगा, तो प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल के सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मैंने कुछ प्रीवियस सेट का क्वेश्चन लिख रखा, मैं आप सबों के सामने लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों बोला 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां 12 साइन है और साइन क्या देता है पी बाय एच, यहां 5 कॉस है और 5 कॉस क्या देता है बी बाय एच, क्लियर हो गया, एक ट्रिपलेट्स बताए थे 5, 12, 13 बोले थे ना, बस उसी से अकॉर्डिंग आप ड्राइव कर लीजिए, नहीं तो सिंपल तरीका कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या कर सकते हैं 5/12 कर सकते हैं,
अब देखो ये बिना क्रॉस कीजिए ना, वही हो गया 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। और sin y cos क्या होता है, sin y cos क्या देता है 10 थीटा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। और ये जानते हैं 10 में p होता और ये b होता, तो इसीलिए h क्या हो जाएगा 13। अब यहां से बारी बारी से मान पुट कीजिए sin थीटा, तो sin क्या देता है p/h, मैं लिख देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। cos क्या देता है b/h, और cot क्या देता है 10 का उल्टा है 10 होता है p/b, ये हो जाएगा b/p। आप मान पुट कर दीजिए भाई मेरे, देखिए मान पुट करते हैं p/h 5/13, b/h 12/13 माइनस b/p, तो क्या हो जाएगा b है ना cot है, तो क्या हो जाएगा b/p, क्या हो जाएगा 12/5। पता है एलसीएम भी ले सकते हैं, या इन दो पदों पे ध्यान दें, इन दो टर्मों पे ध्यान दिया जाए, दोनों का क्या है, ये होता नोमिनेटर, ये होता डिनोमिनेटर, ये होता हिंदी में अंश, ये होता हर, दोनों का हर समान है, तो ये तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, वो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। और ऊपर के ना 13 12 5 17 माइनस 12/5, एक सिंपल भी फंडा है, जाइएगा बाय ऑप्शन, बहुत सारे क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी बनेगा, ट्रिगो का, अलजेब्रा का, ये सब बहुत सारे चैप्टर का, आप जाइएगा ऑप्शन, देखने से लगेगा 13 13 5 यानी 13 13 5 का एलसीएम कितना होगा 65। जिन ऑप्शन के बाय में 65 होगा आप उसी को डायरेक्ट हिट कर दीजिएगा, पहला स्टेप ये हुआ। कभी कभी क्या होगा, दो दो ऑप्शन के बाय में 65 दे देगा, तो वहां पे क्या कीजिएगा अपने कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों एलसीएम कितना होगा 60 65, क्या 17 25 85, माइनस कितना हो जाएगा ये 13 13 12 होता है 156। और 156 में से जिन भाई को समझ में नहीं आ रहा ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूं, ये कितना होगा 71 सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन के इकाई अंक के नोमिनेटर में 1 है, आप वहां से भी मतलब कुछ स्टेप काट सकते हैं। तो भाई मेरे स्टेप तभी काट सकते हैं आप जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना -71/65, चूंकि निगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है तो निगेटिव में ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक सिंपल तरीका से बता रहा हूं, 10 थीटा बराबर, अगर बहुत भीविया क्वेश्चन है आया हुआ है, और देखिएगा सिंपल वे में इसका सलूशन होगा, देखिए इन्फिनिटी तक रहे अगर ऐसा केस, ये पैटर्न होता है x प्लस रूट होते रहो ओवर सब पे अपना अपना ओवर दी रूट ओवर दी रूट ओवर दी रूट, तो कंडीशन होता है इसको दो कंसेक्यूटिव नंबर, इसको दो कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक किया जाता है, मतलब दो लगातार संख्या में ब्रेक किया जाता है ताकि उसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जितना अंदर में अगर है रूट के अंदर उतना पूर्णा चाहिए। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 2 × 2, बहुत सारे स्टूडेंट इसको 3 इसको 2 कर सकते हैं, लेकिन बट पहले छोटा मान लिखिएगा और फिर बड़ा, इससे ये फायदा होगा बताने जा रहे हैं, जो ध्यान से सुनिए। अगर रूट के अंदर सभी मान प्लस में है, मतलब प्लस वाला कंडीशन है, तो बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा आंसर होगा, इसका आंसर मतलब कहने का मतलब ये वैल्यू होगा, अगर माइनस में है तो छोटा वाला, ठीक है ना, और गुना में रहता है तो जो दिखता है वही होता है, तो डेट इज क्या हुआ भाई 10 थीटा बराबर क्या हो गया 3, और 3 का मतलब क्या होगा 3/1, और ये क्या रहता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, तो इसीलिए एच क्या होगा पता, दोनों का स्क्वायर का वर्ग कर दीजिए, सो दोनों के स्क्वायर का योग कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर यानी कितना √10। अब यहाँ से पूछा था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में है कि शेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, शेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए शेक है तो शेक क्या देता है फॉर्मूला, शेक देता क्या, तो जिन लोगों को नहीं याद है तो पिछला लेक्चर को देखिएगा, नहीं तो आपको पता है, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ,
कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस जानते हैं बी बाय एच, क्लियर हो गया एच बाय क्या होगा बी होगा, और एच बाय बी का मतलब हो गया एच का मान रूट दस, और उसका स्क्वायर रूट दस का स्क्वायर करेंगे तो खुद दस होगा, और बी का मतलब एक यानी टेन बाई वन। इसी तरीका से जो पूछेगा टेन कॉट कॉसेक साइन जिसने पूछेगा आप रिलेशन बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सबों के लिए। कॉसेक थीटा बराबर 1.25 देन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाय sec थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 1 माइनस 1। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे समझिए। cosec थीटा, cosec थीटा का हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, बाय 100 पता होगा पॉइंट के बाद जितना सारा डिजिट होता है बाय में कितना उतना सारा जीरो जाता है, ये कितना हो गया 5/4 25 है, 25 चौका 100, यानी कॉसेक थीटा का मान क्या हो गया भाई मेरे 5/4। कॉसेक क्या देता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है पी बाय एच, तो क्लियर होगा ये एच होगा और ये पी होगा। आप यहां से क्या निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो, पी पता है एच पता है इसलिए बी, तो बी क्या होता है इसके 25 में 4 यानी कितना 3, और वी नोटेड जानते हैं ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, 5, 4 दिख जाए तो समझिएगा नेक्स्ट जो होगा वो 3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, बार बार समझा ट्रिपलेट्स याद कर लेना भाई, ट्रिपलेट्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो बहुत ट्रिपलेट्स का मेंसुरेशन में भी बहुत सारी जगह पे होती है, जेब्रा में भी होगा, उसके बाद ज्योमेट्री में भी होगा। ठीक है, अब हम ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं फिर से। आप या तो आप सब जगह फॉर्मूला लिख लीजिए जैसे सबका रिस्यूज बता चुके हैं, और नहीं तो सिंपल फंडा भी लगा सकते थे, इस कॉसेक को बदल लीजिए 10 के मतलब पहले 10 के फॉर्म में, या कुछ कॉमन टर्म से भाग दीजिए, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या था सिचुएशन के हिसाब से माइंड रखता है, और नहीं तो सिंपल बात लग ली है। तो अभी चलिए हम सिंपल बात से ही आपको समझा दें, 10 और 10 देता है पी बाय बी, 10 क्या देता है पी बाय बी। ठीक, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, तो शुरू में जब प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करना साइड में लिखना, एक एक स्ट्रिक्ट पहले हम लोग क्या करते थे पहले के जमाने में सिंपल में जो अगर एडिशन से अंदर पहले हम लोग ऐसे करते थे पहले के जमाने, उसके बाद उंगली पे, उसके बाद क्या डेवलप हुआ तो माइंड से, और डेवलप हुआ तो बस क्वेश्चन देखे आंसर के, तो ये सब किसका परिणाम है प्रैक्टिस, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे जल्दी बढ़ोगे। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान है, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना आप प्रैक्टिस करो, चूंकि बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, और रिपीटेड क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि आप प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तो डायरेक्ट जाओगे एग्जाम में टिक। चलिए पी बाय बी, तो पी क्या है 4/3 माइनस 5 क्या देता है बी बाय एच, तो 5 बी बाय एच, तो बी कहाँ है 3/5 प्लस 1 बाय sec थीटा क्या है, sec थीटा क्या है, sec थीटा होता क्या है जिन लोगों ने याद है cos का उल्टा, और cos क्या होता है cos होता है b by h, तो चलिए उसका अपोजिट, तो 4 बी एच कहां है 4 by क्या हो जाएगा दोस्त मेरे b का ना 3 प्लस 4 cos थीटा क्या होता है p by b, तो यानी सॉरी 10 का उल्टा b 10 होता है p by b, ये हो जाएगा b by p, और b by p का मतलब हो गया 3/4 प्लस 1। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा ना, अब देखिए कुछ यहाँ से ये कट सकता है ना, ये कितना आ जाएगा 16/3 माइनस, ये भी कर सकते हैं माइनस 3 में से प्लस है, ये कितना बचेगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 4/3, और ये क्या होगा प्लस 3 और क्या होगा प्लस 4। अब इसका सोल्यूशन कीजिए क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 3 ही होगा देखने से लग रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 6 यानी 10/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 होगा ना, अरे देखिए ना भिन्न का घटाओ की भिन्न का जोड़ घटाओ कीजिए ना सिंपल वे, क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा
चौथिया 12 16 बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा यानी क्या होगा 5/8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा ये हुआ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त मेरे। दिया 5 cot θ = 3 tan 6 sin θ - 3 cos θ / 7 sin θ + 3 cos θ का मान क्या होगा। देखिए cot θ का मान दे रखा कितना 3, तो 6 sin θ, sin θ बस रेशियो पता होना चाहिए, और रेशियो के लिए बार बार समझा रहा हूं, पाइथागोरस टर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए पी बी और एच चाहिए तो चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये करना क्या है। अब देखिए 5 cot θ, अब यहां से लिख सकते हैं cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/5, तो cot क्या देता है 10 cot का 10 होता है p/v, हो जाएगा v/p, तो क्लियर हो गया। एच क्या होता है, यहां से एच आपका जो है ना, इसको देखिए वहां साइन है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा लीजिए, p/v पे कीजिएगा तो रूट में आएगा, और रूट में जाइएगा तो थोड़ा परेशानी होगा, परेशानी क्या थोड़ा मान ज्यादा आएगा, आप सिंपल तरीका लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल तरीका लगा, पानी लगे, चलिए सिंपल तरीका, जो रूट से बचना है रूट से भी बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह होगा कि आपका कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। कॉस को ही बदल दीजिए, कॉस का मतलब होता है 5 cos θ, कॉस होता है ना, कॉस बताए थे आइडेंटिटीज में, कॉस cot θ होता है cos θ / sin θ, कितना 3, हम लिख सकते हैं 5 cos θ = 3 sin θ, करने या सिंपल तरीका लीजिए cos θ / sin θ क्या हो सकता है 3/5, इसका मतलब ये हुआ कि cos θ का मान 3 हो जाएगा और sin θ का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो कंसेप्ट। अब चलिए यहाँ पुट कर दीजिए 6 sin θ, 6 और sin θ का मान 5 है, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। सिंपल तरीका बना रहा, देखिए कहाँ रूट से बन रहा था और कहाँ सिंपल जा रहा, और 3 cos θ 3 × 9 / 7 sin θ, तो 7 × 5 = 33, 3 cos θ क्या होगा 3 cos θ, 3 × 9, अब देखिए ये हो जाएगा 21 और 35 और 9 35 + 45 यानी क्या जाएगा 44, ये क्या जाएगा 21/44, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखना लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, चूंकि यूट्यूब पे होता है ना समय पे बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना, ऑफलाइन तो क्लास है नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन है cot θ = √6, तो cosec² θ + sec² θ / cosec² θ - sec² θ का मान क्या होगा। देखिए आप यहां भी कर सकते हैं cos / sin कर दीजिएगा, रिलेशन बन जाएगा, सबको कन्वर्ट कीजिएगा परेशानी होगी, आप डायरेक्ट कीजिए, ये क्या देता है, ये क्या देता है p/p/sorry 10 होता है p/v, तो हो गया b और ये हो गया p, इसलिए h क्या होगा, h क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां से h निकालिए फाइंड आउट करके, और उसके बाद मान पुट कर दीजिए, नहीं तो सिंपल तरीका सिंपल ही लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं, रेशियो कंसेप्ट से बनाइए, बहुत अच्छा तरीका से बनेगा। तो cot थीटा देता है क्या 10 का उल्टा, 10 होता है p/v, तो इसीलिए हो जाएगा v/p। अब h, तो h पता है √6 कितना जगह √7, क्या h का मान कितना जाएगा √7, अब यहां से क्या कर दीजिए पुट कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब cosec जाएंगे तो cosec क्या हो जाएगा
साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है दोस्त मेरे, साइन क्या होता है पी बाय एच, तो सी का अपोजिट कर दे। देखिए जिनको सिर्फ तीन बात याद रखेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन याद है ना, पूरा ट्रिक मैं कहता हूँ खत्म हो जाएगा आपसे। लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगा मत सोचिएगा सर ये क्या आ गया, ये नया है, ये क्या है, मत घबराना। बस साइन का अपोजिट कॉस एक, कॉस का अपोजिट से, टेन का अपोजिट कॉट, तो बस ये तीन याद रखेगा, बस उसका रिवर्स कर देता हूँ ना, बताए थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन, कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक, और टेन कॉट मिलके क्या बनता है एक। चलिए अब यहां से पुट कीजिए क्या होगा, रूट सेवन बाय क्या हो जाएगा वन, फिर यहां से सेक, यानी ऐसे पुट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए सिंपल में छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम समझिए फ्री का नंबर, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा फिर इसको आपको, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रिप्लाई आता है, ठीक है। तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, लाइक आप लोग कीजिए भाई मेरे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये कॉमेंट बॉक्स में चाहिए इसका आंसर, हमने हिंट कर दे रखा है पाइथागोरस थ्योरम से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीजीएल का है, ध्यान से सीखिएगा। किसी त्रिभुज में, मैं पैटर्न बदल रहा हूं, किसी त्रिभुज में एबीसी में कोण बी समकोण है, कोई समझिए कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, और यदि साइन ए बराबर थ्री बाय फाइव, तो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है टेन ए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कॉस सी का मान बताइए, कुछ भी हो सकता है, अपना मन से दिए एग्जाम में कुछ भी पूछता है, टेन कॉट कॉस सी कॉस ए साइन। चलिए दोस्त ध्यान से समझना, पहले आप राइट एंगल ड्रॉ कीजिए, ये पी होता है, सॉरी राइट एंगल ड्रॉ कीजिए, और बी को समकोण बनाकर, क्लियर होगा ये होगा और ये सी होगा। उसके बाद बोला साइन ए का मान क्या बोला है, थ्री बाय फाइव, साइन ए का मान दिया थ्री बाय फाइव, और साइन में ये पी होता है और ये एच होता है, इसलिए बी कितना हो जाएगा फोर, ट्रिपलेट्स भी बताए थे क्या होता है थ्री फोर फाइव। आप देखिए एच हमेशा कॉन्स्टेंट, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये फाइव इसको नहीं समझ में, रेशियो मान लीजिएगा। बी क्या होगा, देखिए किसका बात क्या, थीटा का मतलब ये मान, और इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये फोर यूनिट हो जाएगा, ये थ्री यूनिट हो जाएगा। अब समझिए पूछा क्या पहला क्वेश्चन आपसे, टेन ए, टेन क्या देता है पी बाय बी, ए का बात क्या है, इसके सामने क्या है थ्री, और एक चीज और ध्यान देना है, चलिए ठीक है पी बाय बी, तो क्या हो जाएगा पी का मान कितना हो जाएगा थ्री, और बी दे रखा कितना, तो थ्री बाय फोर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस सी, कॉस सी का देखिए ध्यान रखना यहाँ पे क्या हुआ, एंगल चेंज कर गया, यहाँ पे क्या हुआ भाई मेरे, एंगल क्या हो गया चेंज हो गया। अब इस एंगल का बात कर रहा था, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और कॉस क्या देता है बी बाय एच, चलिए बी बाय एच, इसके सामने वाला तो क्या होगा थ्री बाय क्या हो जाएगा फाइव, इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री बाय फाइव। जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा का मान बताइए। ध्यान देखिए साइन थीटा देता क्या है, पर इस बात को सोचिए, बार बार समझा रहा, राइट एंगल ट्रेंगल पे ही बनेगा क्वेश्चन, और राइट एंगल ट्रेंगल की बात किया जाता है, ये 90 डिग्री और ये थीटा अगर हो तो ये क्यूट एंगल थीटा हो, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। देखिए ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रोसेस समझते हैं, साइन थीटा होता है पी बाय एच, क्लियर हो गया किसका मान चाहिए मेरे को बी का, और बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर का मान देखिए भाई मेरे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन से, और अपना इसका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, रूट में क्या होगा, रूट है तो फोर ए बी होता है, तो यहाँ क्या जाएगा फोर, और ए बी का मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा टू ए बी। अब यहाँ से पूछा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है भाई मेरे, सेक होता है क्या कॉस का उल्टा, यानी बी बाय एस, तो हो जाएगा एच बाय बी, और एच का मान देखिए अब क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान हमने निकाल रखा है टू ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइव साइन थीटा किसके बराबर है, फोर कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं फाइव साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, फोर कॉस थीटा, फाइव साइन थीटा बराबर फोर कॉस थीटा, यानी क्या हुआ कि फाइव साइन थीटा किसके बराबर है, फोर कॉस थीटा के बराबर है, या ये भी बोल सकते हैं कि फोर कॉस थीटा किसके बराबर है, अब दोनों को दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर दे, तो चलिए फाइव साइन थीटा पे हम पुट करते हैं क्या फोर कॉस थीटा, तो फोर कॉस थीटा में से दो कॉस थीटा जाए तो क्या बचेगा टू कॉस थीटा अपॉन फाइव साइन थीटा किसके बराबर फोर, तो फोर कॉस थीटा और थ्री कॉस थीटा, तो फोर थ्री कितना है सेवन कॉस थीटा, और इससे ये कट गया, तो भाई मेरे क्या है इसका आंसर टू बाय सेवन, ये मेरे लिख ले लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कुछ लोग अपना भी मान लगा सकते हैं क्योंकि हमने थ्योरी बता रखा है पिछले वाले लेक्चर में, चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, फाइव कॉस ए माइनस बारह साइन ए का मान क्या दे रखा है जीरो, सिंपल सोचिए फाइव कॉस ए बराबर बोल सकते हैं बारह साइन ए यानी ट्वेल्व साइन ए, कैसे ये निगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो ये प्लस होगा जीरो, तो जीरो से फर्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या में ऐड करने पर, यानी फाइव कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा ट्वेल्व साइन ए के बराबर, ऐसा कंडीशन है नहीं है, एक सिंपल तरीका लगाइए इसको, इसको बदल दीजिए कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर लिख सकते थे ट्वेल्व बाय फाइव, देखिए ना फाइव कॉस ए यानी के लिए कॉस ए का मान होगा ट्वेल्व, इसका मान हो जाएगा फाइव, अब चलिए पुट कर दीजिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए साइन ए तो कितना होगा ट्वेल्व कॉस ए, अब टू कॉस ए एक कॉस का मान बारह, तो बारह दुना चौबीस माइनस है ये ध्यान से दिखेगा माइनस साइन ए का मान पांच, तो क्या हो जाएगा सत्रह बट्टा उन्नीस, ये तरीका हो गया पहला तरीका ही हुआ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं देख समझ गए ना, दूसरा तरीका देखिए क्या है, नेक्स्ट मेथड देखो भाई, दोनों में क्या करो साइन या कॉस किसी एक में कन्वर्ट कर दो, फिर वहां से काट फुट मतलब कट्टम कुट्टीम जो होता है करना पड़ेगा, तब तक समय लग जाएगा, बस इसी तरीका को फाइंड करना। देखिए मैथमेटिक्स बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, बट आपको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के होने के नाते उस तरीका को अप्रोच बनाना है जिससे आपका क्वेश्चन कम समय में सटीक बन जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दे रखा है डाटा, बस इसी को देखिए ड्राइव कर दी, ये वाला मान को सिंपल में लिख के इसी तरीका से दे दिया है, तो चलिए फाइव साइन थीटा बराबर फोर कॉस थीटा, थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी रह सकता है, चलिए फाइव किसके बराबर फोर, तो लिखिए फोर, फोर में से टू क्या बचा टू कॉस थीटा, फाइव साइन थीटा किसके बराबर फोर कॉस थीटा के बराबर चार तीन सेवन कॉस, पिछले लेक्चर में मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहां पे एक अलग तरीका से दे रखा था, यहाँ भी उसी का ड्राफ्ट तरीका है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट एक ही सफलता ही होगा, ठीक है आते हैं आप, तो जिन लोगों को लिखना लिख लीजिए नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बस बार बार समझा रहा हूँ थ्योरी जरूर पढ़ लेना। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा लेवल को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे,
एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ड्रा कीजिए। समकोण त्रिभुज आपको ड्रॉ करने आता होगा, उसमें एक क्या बोला है ए बी सी में ए बी बराबर एक समकोण त्रिभुज, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, जो बीच में अगर लिख दे लिखा हुआ दिख जाए तो समझिएगा वो एंगल है। इसके सामने होता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने क्या होता है, बोला है ए बी का मान दिया 2.5 ए बी, तो आप ए बी सी में ए बी 2.5 है, कॉस बी 0.5 है, सॉरी ए सी बी 90 डिग्री है, यहाँ वाले लाइन को ध्यान से देखिएगा, ए सी बी, हाँ ए सी बी बोला है, ये ए होगा, ये सी होगा और ये ए सी बी, और ए सी बी में क्या बोला है, ए बी दिया है 2.5, इसका फिक्स वैल्यू दे रखा है, और कॉस बी इधर थोड़ा रफ में लिखेगा, कॉस बी का मतलब होता है 1/2, 0.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, कैसे 5/10 कटती है 5 × 2 = 10, और ये क्या होता है, ये देता है बी और ये होता है एच, इसीलिए पी क्या निकलेगा भाई मेरे √3, यानी किसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3, यूनिट में मान लीजिएगा चूंकि ये रेशियो वैल्यू देता है, और ये देखिए क्या है, ये पी का मान क्या है 1 यूनिट, और देखिए ये क्या है 2 यूनिट। अब देखिए पूछा क्या, भुजा एसी, एसी का मतलब ये माना हुआ वैल्यू, तो इसके साथ रियल मान गुना करना होगा, बताया था रेशियो कहता है, रेशियो में समान संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं बट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे बनेगा, ये रियल मान एक दूसरे का साथ दिया हुआ है, इसको बोल सकते हैं 2 यूनिट पे 2.5, तो 1 यूनिट पे कैसे होगा, इसको सही समझते देखिए कर सकते हैं, यानी कितना 5/2, तो यानी सीधे बोल सकते हैं कि कितना हो गया 5/4, 1 यूनिट का मान 5/4, इसीलिए पूछा एसी, और एसी का रेशियो मान दे रखा है √3 यूनिट, और रियल बनाने के लिए बताए थे 5/4 और √3 यूनिट से गुना कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10θ = 5/9, 10θ का मान इसको लिख सकते हैं 9 10θ = 5, यानी हर 9 10θ पर क्या हो रहा है 5, अगर इसको 2 times इधर तो 2 times इधर भी करना होगा, 9 10θ = क्या हो गया 5, तो 18 10θ पे क्या हो सकता है 10 हो जाएगा cos θ बाय, ये क्या हो जाएगा 9 10θ, देखिए 5 − 11 cos θ। अब देखिए क्या होगा कि 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 3, और नीचे सॉरी प्लस दिया हुआ है, प्लस है, तो अब देखिए दोनों में कॉस कॉमन है, कैसे आएगा वो समझिए आखिर, आप देखिए जब कैलकुलेशन फास्ट रहेगा या आपका मोर देन प्रैक्टिस रहेगा, देखिए हम यह भी जोड़ या घटा में प्लस माइनस में नहीं काट सकते, लेकिन एग्जाम में हम काट सकते हैं, क्यों कैंसिल कर सकते हैं, कैसे दोनों तरफ आप क्या करो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा 10, जो कि इस फॉर्म में आ गया, और कॉस कॉस क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, यहां भी होगा साइन बाय कॉस 10 और यहां कॉस कॉस क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 10 3/16 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं, या समझना है तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन वाली क्लास तो है नहीं कि थोड़ा स्लो में चलना, यूट्यूब पे हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है और बोल क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड फाइंड आउट कीजिए। चलिए हम त्रिभुज बना रहे हैं एक्स वाई जेड, बोला जो वाई पे समकोण है, क्लियर हो गया, ये वाई का मान हो गया और एक्स वाई का मान दिया है 2√6, एक्स वाई का मान दिया है 2√6, और बोला है एक्स जेड और वाई जेड के बीच का गैप क्या होना चाहिए 2, यानी यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू का बीच का गैप 2 होना चाहिए। तो sec x प्लस tan x, पहले क्वेश्चन को समझिए, तो sec x प्लस tan x, sec देता है cos का उल्टा यानी h/b, ये होता है p/b, यानी pbh पता होना चाहिए जो कि दिख नहीं रहा है,
प्रोसेस से चलिए समझते हैं, प्रोसेस से हम नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये एक्स एक्स प्लस टू ज्यादा कम चुका है, हाइपोटेनस ऑलवेज परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है ज्यादा होता है, या ये ही एक्स एक्स माइनस टू, अब इसका स्क्वायर करके जोड़ने पे इनके स्क्वायर के बराबर अगर वैल्यू करना है, उसके बाद एक्स का मान निकालना है, फिर जाके पुट करना है, तब तक समय लग जाएगा और एग्जाम भी एग्जाम वाले कहेगा जाओ बेटा फिर नेक्स्ट एडमिट कार्ड निकाल के आना। एग्जाम में समय बहुत बड़ा मायने रखता है, सेकेंड का भी महत्व होता है आज के डेट में। हम इसको ट्रिपलेट से बताएंगे, ट्रिपलेट से क्यों बताएंगे, क्योंकि ट्रिपलेट बार बार समझा रहा हूं, याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जान है ट्रिपलेट। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ बताएं कि इंसुलेशन ज्योमेट्री वगैरह सब यूज होती है। चलिए हम सोचिए ऐसा मान पुट कीजिए जो दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाइड है, मतलब पी वी एच में रिलेशन भी बना दे और अंतर भी क्या दे दे, अंतर भी क्या दे दे, दो का दे दे। चलिए यहाँ सेव हो तो यहाँ फायर कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब सोच में आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 24, रूट सिक्स का सिक्स हुआ, टू का फोर, छह चौबीस और पच्चीस उनचास, और सात का स्क्वायर उनचास, कंडीशन फाइंड आउट हो गया। अब पुट कर दीजिए, सेक एक्स बोला तो सेक एक्स क्या देता है, सेवन बाय फाइव, सॉरी एक्स का मान लीजिए थीटा के सामने होता है, सेवन बाय टू रूट सिक्स, और पी वाई बी बोला है टेन एक्स होता है पी वाई बी, तो ये होता है फाइव बाय टू रूट सिक्स, और जो लेंगे क्या अगर ट्वेल्व टू रूट सिक्स, यानी इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो रूट सिक्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। चलिए दोस्तों वैरायटी वही है क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बस तरीका बदल गया, तरीका नहीं सिर्फ अंतर दे रखा है यहाँ दो। इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बन जाएगा। मैं हिंट कर देता हूँ कि त्रिभुज पहले फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग, त्रिभुज क्या होना चाहिए, बी समकोण, तो क्लियर होगा ये ए बनेगा और ये सी बनेगा, और ए सी माइनस बी सी का मान एक होना, ऐसा वैल्यू पुट करना है। इसके लिए ट्रिपलेट्स का ज्ञान होना जरूरी है, मैं बार बार समझा, प्रोसेस से भी बनेगा भाई मेरे, प्रोसेस से दुनिया का हर चीज होता है, लेकिन समय लग जाएगा एग्जाम के लिए। और ए बी का मान बोला है सेवन दे रखा है, सिंपल बात है, लीजिए हम बता ही देते हैं, ट्रिपलेट्स ही बताया सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, देखिए ना अब यहाँ 25 पुट कर चुकी है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस की अपेक्षा ज्यादा होता है, यहाँ 24, अब तो जो पूछा बता के बन गया, ये होता है कॉस का उल्टा, ये होता है कॉट पता, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, अब इतना भाई मेरे जरूर करना, ठीक है ना। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि ए बी की जगह आप क्वेश्चन में दे रखेगा फोर रूट, इसको फोर रूट टू मान लीजिएगा, टाइप यही आप दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना, और ए सी माइनस बी सी की जगह आप चलो एक यही रख लो, एक दो ही वही वाला वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, यहाँ पे आप लिखना सेक ए प्लस कॉट, तो वही रहेगा आप सिर्फ बनाना, ठीक है। तो इसी वैरायटी का क्वेश्चन मैं दो दिया हूँ, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन लोगों का सुना, नहीं तो वीडियो को अगेन वॉच करके समझ कीजिए, हम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, बोला त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, पहले आप त्रिभुज बनाइए, एबीसी बोला है कोण ए समकोण बोला है, इसको ए तो क्लियर हो, ये बी और सी यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री, यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी फाइंड आउट कीजिए, ये बोला है 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर क्या है, यहां का यहां से यहां तक का मान दे रखा है 12, तो कॉट बी कॉट सी, देखिए यहां थीटा बदल गया, यहां भी थीटा बदला और यहां भी थीटा बदला है, देखिए ये इस पे अवलंब हो गया, क्लियर हो गया, ये हाइपोटेनस का काम करेगा और इसमें भी ये क्या किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का, कॉट देखिए कहाँ है, तो कॉट कहाँ है,
कॉट कहाँ है, बी का बात कर रहा है, कॉट दोनों जगह है लेकिन एक बार बी है और एक बार सी है। अब देखिए ये ट्रेंगल बना होगा ऐसे और ये थीटा हुआ होगा, तो चलिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार, या इसी को लंब मान लीजिएगा, इसको आधार, और ये क्या होगा कर्ण, चूंकि पता है लंब, सॉरी हाँ लंब और आधार के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस। तो चलिए इसको हम बोल सकते हैं, अगर ये लंब मान लें तो आधार ये क्या होगा बीडी बट्टा, ये हो जाएगा एडी, एडी का मान दे रखा है फोर। आप बात करते हैं एक बार किसका बात क्या है, कॉट सी, कॉट सी के लिए क्या हो जाएगा डीसी बट्टा ये एडी, एडी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, और दोनों कैल्सियम क्या होगा बीडी प्लस डीसी, और बीडी प्लस डीसी का ही मान दे रखा है 12 एंड 12 बाय 4 और 4 3 2 एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, देखिए साइन थीटा बाय कॉस, सॉरी साइन थीटा का मान 1/2 है, तो साइन क्या देता है पी बट्टा एच देता है, यहां से किसका मान निकल जाएगा बी का, और ये देता है किसका मान, ये कॉस देता है बी बाय एच, ये किसका मान निकल जाएगा पी का, यहां से बी देखिए कैसे निकला, बी का फॉर्मूला होता है ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर बी रहता है तो पी रहता है तो बी, मतलब रिलेशन पता है आपको। आइए बी का मान कहिए 2 का स्क्वायर 4 एक यानी क्या हो जाएगा √3, और पी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 यानी ये 1 हो जाएगा। अब पुट कर दे टेन थीटा, टेन देता है पी बाय बी, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई, देखना आप सोल्यूशन कर लेना, टेन थीटा का मान क्या होता है पी बाय बी, रेशियो देता है पी बाय बी। अब देखिए थीटा वाले में चलिएगा, चूंकि वहाँ थीटा और एक जगह फाई लगा हुआ है, पी बाय बी यानी क्या हो जाएगा 1/√3, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्वेश्चन में प्लस है 10 फाइ। अब यहाँ वाले में चलिएगा 10 फाइ क्या, 10 क्या देता है पी बाय बी लेकिन फाइ, तो पी क्या 1/√3। अब इसका देखिए 1 माइनस सोल्यूशन करिए, 1/√3 × 1 सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा √3, सोल्यूशन कर लीजिएगा, करने आता चूंकि यहाँ भी √3 कट जाएगा और सोल्यूशन के ऊपर 2√3 हो जाएगा और नीचे 1 मिस जाएगा, सोल्यूशन करके डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आप सोल्यूशन कर लेना, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन नहीं आप लोग इतना क्वेश्चन मैंने जो आप वीडियो में लेक्चर में डाला है आप इसको अच्छी तरीका से वॉच करना और अंत तक वीडियो को देखना पूरा, इसके लिए पहला वीडियो देख लेना अच्छा रहेगा, सेकंड वीडियो भी देखना जो आज का क्लास था, और जितने सारे क्वेश्चन बताया है मैंने कॉपी पे लिखना, उसके बाद अपने से भी फिर बनाना, अगर जरूरत लगे कि नहीं और क्वेश्चन होना चाहिए इस टॉपिक से तो मैं कल या नेक्स्ट लेक्चर में और सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर जिन लोगों को अगर लगे कि नहीं सर और क्वेश्चन होना चाहिए हाई लेवल और ले चलिए, अभी तो मैं हाई ले चल रहा हूँ और हाई चाहिए, तो आप कमेंट में लिखना कि सर और कराइए क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, थोड़ा समय लगेगा मंजूर है लेकिन ऐसा ट्रिप पढ़ाऊंगा कि कभी दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आएगा मेरे यहाँ के बाद, ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए बोर्ड पे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप सबों के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, थैंक यू सो मच।